गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक ऐसे शैम्पू के बारे में बताने वाली हूँ जो हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और जिस शैम्पू के बारे में बात कर रही हूँ वो है ये है प्लम का अनियन एंड बायोटिन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, जो कि आपके हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और आपकी स्कैल्प हेल्थ को बूस्ट करता है। तो अभी प्लम 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, तो इनके सारे ही प्रोडक्ट्स पे आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। अप टू 50% डिस्काउंट के साथ इनके सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो ये एक माइल्ड शैम्पू है जो कि सल्फेट फ्री है, इसके साथ ही पैराबेन सिलिकॉन फ्री भी है। और इस शैम्पू में यूज़ किया गया है अनियन। अनियन में काफ़ी अच्छी मात्रा में सल्फर होता है जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए अनियन कमाल का काम करता है। इसके अलावा इसमें बायोटिन यूज़ किया गया है, तो बायोटिन आपके कैरेटिन को स्ट्रेंथन करने का काम करता है जिससे बाल काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स को कम करने में हेल्प करता है और हेयर ब्रेकेज को रोकने में काफ़ी हेल्प करता है। इसीलिए कहते हैं कि बायोटिन नेल्स और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ के लिए हेल्दी बनाने में बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जो कि क्लेम करते हैं कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। लिस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स की आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। किसी से भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस शैम्पू को यूज़ ना करें। इसके अलावा इसमें सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन, पैथलेट्स, प्रोपिलीन, ग्लाइकॉल इसमें यूज़ नहीं किया गया है। एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स भी इस शैम्पू में यूज़ नहीं किए गए हैं। तो इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये कुछ ऐसे पम्प बॉटल में आता है और 250 ml का पैक है। प्राइस इसका 349 है, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे ऑनलाइन डिस्काउंट मिल जाएंगे। कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये जेल कंसिस्टेंसी में आता है। इसमें फ्रेग्रेंस यूज़ किया गया है पर काफ़ी माइल्ड सूदिंग सा फ्रेग्रेंस है। पिंक कलर का ये शैम्पू है, जैसे अनियन का कलर होता है ना, अनियन वाटर का कलर होता है, उस टाइप का इसका कलर है। और ये शैम्पू बहुत ज़्यादा लेदर क्रिएट नहीं करता है, मीडियम लेदर क्रिएट करता है, पर आपके स्कैल्प को क्लीन करने में ये हेल्प करेगा। इतना लेदर क्रिएट कर देता है कि आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये जो सारी बातें हैं ये शैम्पू क्लेम करता है। आगे मैं बताने वाली हूँ कि इस शैम्पू ने मेरे बालों पे कैसा काम किया, पर उससे पहले जान लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने का तरीका कुछ अलग नहीं है, बस आपको अपने बालों को वेट कर लेना है और फिर इसको डाइल्यूट करके, या जैसे भी आप यूज़ करते हैं, मैं डाइल्यूट करके यूज़ करती हूँ। बालों पे अच्छे से मसाज कीजिए, कुछ देर तक मसाज कीजिए और नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए और फिर आप अपना कंडीशनर, सीरम जो भी लगाना चाहें इसके बाद आप लगा सकते हैं। तो वैसे तो ये शैम्पू क्लेम करता है कि ये सारे हेयर टाइप के लिए है, पर जो जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो ये लेदर बहुत कम क्रिएट करता है, इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसको यूज़ करने में मज़ा ना आए। जैसे मेरे जो बाल हैं काफ़ी ऑयली हैं, कई बार ड्राई फ्रिजी हो जाते हैं, पर एक्चुअल में जो स्कैल्प है वो काफ़ी ऑयली है। तो जब मैंने इसको यूज़ किया तो उस दिन तो ठीक लग रहा था, मतलब काफ़ी हद तक बाल ऑयल फ्री लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। और ये दूसरा दिन है जब मेरे बाल सडनली इतने ज़्यादा ऑयली लगने लगे। तो ये कहीं ना कहीं मेरे बालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तब आप इसको ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आपकी आपके बालों पे ये काम कर जाए। और वैसे मैं बहुत सारे प्लम के प्रोडक्ट्स यूज़ करती रहती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, पर ये पसंद नहीं आया। ज़रूरी नहीं है सारे प्रोडक्ट पसंद आए, तो ये मेरे बालों के लिए बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, ड्राई स्कैल्प है, ड्राई बाल है, तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और इनकी वेबसाइट पे जाके आप मेरा एक कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से इसको परचेस करना हो तो कीजिए, नहीं तो और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो, उनको जाके परचेस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।